हम जिस प्लैनेट पर रहते हैं यानी हमारी धरती, जिस पर जीवन जीने लायक हर एक कंडीशन अवेलेबल है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक हमारी पृथ्वी को छोड़कर किसी अन्य प्लैनेट पर ह्यूमन कॉलोनी बसाना चाहते हैं। अब इसका मात्र एक वजह है हमारी पृथ्वी की वर्तमान बिगड़ती कंडीशन, जो कि हम इंसानों द्वारा किए गए तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स के वजह से खुद पर से ही जीवन को धीरे धीरे नष्ट कर रही है। ऐसे में अगर पृथ्वी के बाहर किसी अन्य प्लैनेट पर इंसानी बस्ती बसाने की बात आए तो उसमें सबसे पहला नाम आता है मंगल का, क्योंकि मंगल हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक मात्र एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर इंसानी बस्ती बसाई जा सकती है। अब भले ही मंगल ग्रह पर अभी के समय में कोई भी जीवन उपस्थित ना हो, लेकिन वैज्ञानिक इसकी वर्तमान कंडीशन को देखकर यह अंदाज़ा लगाती है कि इस पर कभी ना कभी जीवन हुआ होगा और शायद हमारी पृथ्वी की ही तरह किसी एस्ट्रॉयड के टक्कर या फिर किसी कारणवश अपने आप ही जीवन को नष्ट कर लिया होगा। अब इसकी कई सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, क्योंकि मंगलयान द्वारा ली गई तस्वीरों में काफ़ी कुछ मिस्टीरियस चीज़ें भी रिकॉर्ड की गई थी। हालांकि वैज्ञानिक इस बात में यकीन रखते हैं कि अगर वो मंगल ग्रह पर दोबारा से रिसर्च चालू करें तो वहाँ पर जीवन के कुछ सबूत मिल सकते हैं, जिसे हमें ये पता चल जाएगा कि मंगल पर कभी ना कभी तो जीवन हुआ करता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर मंगल ग्रह पर कभी जीवन हुआ करता था तो न सिर्फ हमें उसके सबूत मिलने चाहिए, बल्कि हो सकते हैं किसी प्रकार के जीवन अभी भी मंगल ग्रह पर पनप रहे हो। ये सुनने में भले ही काफ़ी अजीब लगता हो, लेकिन ऐसा संभव हो सकता है, क्योंकि कुछ माइक्रोबैक्टीरियास ऐसे भी होते हैं जो स्पेस में भी आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं, और ऐसे ही कुछ माइक्रोबैक्टीरियास का मंगल ग्रह पर मिलना भी संभव है। मंगल ग्रह पर ऐसे किसी माइक्रोस्कोपिक लाइफ को ढूंढना हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा, और अगर हम ढूंढना भी चाहें तो इसका मात्र 1% चांस ही है कि हमें कोई माइक्रोबैक्टीरिया भी मिल सकता है, क्योंकि इतने बड़े प्लैनेट पर एक छोटे से माइक्रोस्कोपिक लाइफ को ढूंढना हमारे लिए संभव नहीं है। इस पर कई वैज्ञानिक ये तर्क देते हैं कि हो सकता है मंगल के सतह के नीचे उसके कोर में कुछ माइक्रोस्कोपिक लाइफ हो सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए एक अच्छी खबर होगी, क्योंकि हमें इससे यह पता चल पाएगा कि मंगल पर कभी ना कभी तो जीवन हुआ होगा। लेकिन ये सारी बातें सुनने में जितनी आसान लगती है उतनी आसान है नहीं, क्योंकि हमने अभी तक अपने अर्थ के कोर को भी ठीक से ऑब्जर्व नहीं किया है। ऐसे में मंगल ग्रह के कोर का अध्ययन करना तो हमारे लिए दूर की बात है। यही वजह है कि वैज्ञानिक मंगल के कोर को छोड़कर उसके सतह से ही सैंपल्स को कलेक्ट करके इस पर रिसर्च शुरू करना चाहती है। अगर हम मंगल ग्रह पर जीवन जीने लायक सारे कंडीशंस अवेलेबल भी करवा लें तो भी हम मंगल ग्रह पर जीवन नहीं बसा पाएंगे, और इसका मात्र एक वजह है मंगल के एनवायरनमेंट में 95% CO2 गैस का प्रेजेंट होना, क्योंकि जहां हमारी पृथ्वी पर 21% ऑक्सीजन होने के बावजूद भी 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड इतना जानलेवा है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि मंगल ग्रह का 95% कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे लिए कितनी मुश्किलें खड़ा करेगा। वैसे हमारी पृथ्वी की तरह मंगल का सतह भी रॉकी सरफेस के होने के साथ ही इसका कोर आयरन और 26-27% सल्फर युक्त निकल से बनी है। मंगल ग्रह के बारे में आप अपनी राय नीचे कमेंट में हमें ज़रूर दे सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।